नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। मेरे पास एक कमेंट कई बार आ चुका है कि मैम घर में लड़का होने पे या फिर लड़की होने पे दर्द कहाँ होता है। तो मैं आपको पूरे शरीर के दर्द के बारे में नहीं बताऊंगी, मैं आपको केवल पेट के दर्द के बारे में बताऊंगी। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बताने वाली हूँ कि पेट में कहाँ पे दर्द होने पे लड़का होगा और कहाँ पे दर्द होने पे लड़की होगी। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि लोग बाग क्या कहते हैं कि कहाँ पे दर्द होने पे आपको क्या होगा, और अगर आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द है तो उसके पीछे क्या कारण है। क्या सच में लड़का होने पर पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है, तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं और इस मिथ को तोड़ने वाले हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी दोस्तों, वो लोग जो कि यहाँ पे ये जानने आए हैं कि कहाँ पे दर्द होने से हमें लड़का होगा और कहाँ पे दर्द होने से हमें लड़की होगी, तो प्लीज़ वो लोग ये वीडियो ना देखें, क्योंकि बाद में आपको कुछ मिलेगा नहीं वीडियो में और आप मुझे गाली दे के चले जाओगे। इसलिए बेहतर यही है कि आप पहले ही निकल लो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सच्चाई बताने वाली हूँ, ना कि मैं आपको कोई भी भ्रम देने वाली हूँ, कोई भी आपको मिथ बताने वाली हूँ, या फिर मैं आपको कोई अंदाज़ा नहीं बताने वाली हूँ ताकि आपके मन में कोई आशंका रहे या फिर आप कंफर्म हो जाओ कि मुझे क्या होगा, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि आपको कहाँ दर्द होगा और आपको वही हो जाएगा, लड़का या फिर लड़की, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है और वो गर्भ में किन्नर बन जाते हैं और किन्नर ही रहते हैं, ना वो लड़का कहलाते हैं ना वो लड़की कहलाते हैं, किन्नर कहलाते हैं, ट्रांसजेंडर बोलते हैं उन्हें, वो कहलाते हैं। तो क्या वो गर्भ में हलचल नहीं करते होंगे? वो भी करते हैं ना हलचल। ऐसा नहीं है कि लड़का गर्भ में नीचे हलचल कर रहा है, लड़की ऊपर हलचल कर रही है, तो किन्नर कहीं पर हलचल नहीं करते होंगे, कहीं ना कहीं तो करते होंगे ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इस बात को समझने की कोशिश करें। बाकी मैं आपको और भी बातें बताऊंगी। बाकी मैं चाहूंगी ऐसा किसी के साथ ना हो, किसी माँ बाप के साथ ना हो, क्योंकि अगर किसी के घर में किन्नर पैदा होता है तो नॉर्मल से बात है कि वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकते हैं, उन्हें माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाता है। दूसरी बात ये कि उनकी ज़िंदगी आपको पता है कैसी होती है, और वो हम लोगों की वजह से ख़राब होती है, क्योंकि हमसे पैसा मांगने आते हैं तो हम पैसे नहीं देना चाहते उन्हें, और ऐसा माना जाता है कि उनकी दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं, वो यदि आपको कुछ दुआ दे दे, कुछ आपके लिए अच्छे शब्द बोलें तो वो कबूल हो जाते हैं। तो उसके बावजूद भी यदि वो हमारे घर पे आती हैं, लड़का हो जाता है या शादी होती है या फिर कोई भी शुभ मुहूर्त पर हमारे घर पे आते हैं, तो हम उनको कुछ देना नहीं चाहते हैं या फिर थोड़ा बहुत दे के टड़का देना चाहते हैं। आपको सोचो कि उन्हें कोई नौकरी देना नहीं चाहता है तो क्या काम करें, कोई काम नहीं देगा तो वो मांगेंगे ही, अगर वो मांगे तो उन्हें कोई देना भी नहीं चाहता है, उनको नीच नज़र से देखते हैं। तो मैं प्लीज़ कहूँगी ऐसा ना करें, सबकी रिस्पेक्ट करें, लड़का हो या लड़की हो या फिर कोई भी हो, सभी को भगवान ने बनाया है तो सबकी इज्जत बराबर होनी चाहिए, कोई कम या ज़्यादा नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एक इंसान को नेक होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या किन्नर हो, कोई भी हो। तो चलिए ये तो बात अलग हो गई है। तो लोगों का ये कहना होता है यदि गर्भ में लड़का होता है तो पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है या फिर निचले हिस्से के दाएं तरफ या बाएं तरफ दर्द होता है, तो ऐसा माना जाता है कि लड़का होने वाला है। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि लड़के जो होते हैं वो राइट तरफ ज़्यादा रहते हैं, यानी कि आपका जो ये राइट हैंड है इसके तरफ लड़के ज़्यादा रहते हैं, और लड़के जब राइट तरफ रहें तो आपको पेट में दाएं तरफ यानी कि राइट साइड ही दर्द होगा, भारी पर महसूस होगा, जो भी होगा राइट साइड ही होगा, लेफ्ट साइड कुछ नहीं होगा। और लड़की है तो आपको जो भी होना है लेफ्ट साइड होगा, हलचल महसूस होना, दर्द महसूस होना, पैर में भारीपन, सूजन, सब आपको लेफ्ट साइड होगा। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यदि आपको पेट में हमेशा दर्द रहता है, हमेशा मतलब कि जब भी दर्द होता है पेट में दर्द होता है, तो आपको लड़का होगा। और यदि आपको दर्द कमर में हो रहा है, मतलब ये कि पीठ के निचले हिस्से में दर्द है आपको, तो इसका मतलब ये है कि आपको लड़की होगी। यानी प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपको कमर में दर्द कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है तो आपको जो है लड़का होगा। मतलब ये है यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपको ज़्यादातर कमर में दर्द रहता है तो आपको लड़की होगी, और यदि आपको ज़्यादातर पेट में दर्द रहता है तो आपको लड़का होगा। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, लेकिन मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा भी है कि उन्हें कमर में भी दर्द रहा है और पेट में भी दर्द रहा है, और उन्हें लड़का या फिर लड़की दोनों में से कोई एक हुआ है, तो ये बात गलत है। और आप रही बात राइट साइड लड़का की होने की, तो ऐसे कुछ थ्योरी हैं जिसमें कि यह बात सामने आई है, लेकिन ये थ्योरी कुछ महिलाओं को लेके बनाई गई हैं, दुनिया की सारी महिलाओं को लेके यह थ्योरी नहीं बनाई गई है। और यदि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूं कि गर्भ में लड़का किस तरफ हलचल करता है, तो मैंने आपको बताया था कि लोग बाग कहते हैं कि लड़का जो है दाईं तरफ ज़्यादा हलचल करता है, लेकिन मेरा बेबी बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड ज़्यादा हलचल करता था, ये हाथ जो है उल्टा हाथ उसकी तरफ ज़्यादा हलचल करता था, वो दोनों तरफ ही हलचल था, लेकिन मुझे
लेफ्ट साइड जो है बहुत ज़्यादा महसूस होता था। और यह बात गलत है, क्योंकि भाई अगर ऐसा होता तो मुझे भी तो राइट साइड महसूस होता, तो लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। और दोस्तों रही दर्द की बात, तो ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं ढंग से खाना पीना नहीं खाती हैं, कैल्शियम ठीक से नहीं लेती हैं, आयरन ठीक से नहीं लेती हैं, जो भी पोषक तत्व वाली चीज़ें हैं वो नहीं लेती हैं, तो उन्हें नॉर्मली पीठ में दर्द बना रहता है। और मैंने बहुत सारी महिलाओं को ऐसा देखा है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ढंग से खाती पीती नहीं हैं और टाइम पे मेडिसिन नहीं लेती हैं, जो भी डॉक्टर सप्लीमेंट देते हैं वो नहीं लेती हैं, तो ऐसी महिलाओं के नॉर्मली पीठ में दर्द होता ही होता है। और यदि आपको भी बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहता है तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आप ढंग से खाती पीती नहीं हैं, ना ही आप ढंग से मेडिसिन लेती हैं, आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है। और जिनके कमी होता है उनके ही ज़्यादातर पीठ में दर्द रहता है या फिर कमर में दर्द रहता है। और पेट के निचले हिस्से की बात करें तो आपको पता है कि प्रेगनेंसी के 7वें महीने के बाद आपका बच्चा नीचे की तरफ आ जाता है, तो क्या होता है कि आपके लिंगामेंट में खिंचाव होता है, और खिंचाव होने की वजह से क्या होता है कि आपके जो नीचे की मांसपेशियाँ होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं और बेबी को बाहर लाने के लिए तैयार करती हैं, और आपका गर्भाशय बड़ा हो जाता है। गर्भाशय मतलब कि आपका बच्चा बड़ा हो जाता है और पेट बड़ा हो जाता है आपका, तो क्या होता है कि आपके पीठ पे भार पड़ता है, पीठ पे भार पड़ेगा तो दर्द होगा ही होगा। और दूसरी बात, जब आपका बच्चा नीचे की तरफ आएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और नीचे की तरफ खिंचावट होगी तो दर्द तो होना ही है, समझ रहे हो, दर्द होगा ही। या फिर दोस्तों यदि कोई और परेशानी है, जैसे स्टार्टिंग में एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, गर्भपात होने वाला है, आपका प्लेसेंटा नीचे की तरफ है, या फिर मान लीजिए कि समय से पहले प्रसव होने वाला है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको लगातार और बहुत ज़ोर से जो है नीचे की तरफ दर्द हो सकता है, तो उस समय तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन क्या होता है कि कई बार बच्चे लात वात भी मार देते हैं, बहुत ज़्यादा घूमते हैं, तो उस वजह से भी कई बार आपको पेट में दर्द हो सकता है, और वो कहीं भी हो सकता है। और अब बात करते हैं पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द के बारे में, या फिर पेट के जो बीच का हिस्सा होता है ना, मध्य भाग होता है, वहाँ पर दर्द के बारे में बात करते हैं। तो लोगों को लगता है कि यदि आपको यहाँ पर दर्द ज़्यादा रहता है तो आपको लड़की होगी, लेकिन देखिए इसका कारण क्या होता है आपको बताती हूँ। जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा अपच की समस्या रहती है, उन महिलाओं को पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द रहता है, इसलिए आप ऐसा खाना खाएं जो कि आसानी से पच जाए। और यदि आपको ज़्यादा ही अपच की समस्या है, कब्ज की समस्या है, तो डॉक्टर से दवाई लेके आए। कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है तो ऊपर के हिस्से में दर्द हो सकता है, ये कारण बता रही हूँ मैं आपको, और इससे लड़का लड़की का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, यदि आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं ना, तो उस वजह से भी आपको पेट के ऊपर हिस्से में दर्द हो सकता है। इसके अलावा यदि मान लीजिए कि आपको दस्त की प्रॉब्लम हो गई है, जो कि कई बार हो जाता है महिलाओं को, तो उस समय भी आपको पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है। और नॉर्मली उल्टी को और दस्त को जो है पेट का संक्रमण बोला जाता है, तो पेट के संक्रमण के कारण आपको पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है। और मान लीजिए यदि आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द है तो वो भी संक्रमण के कारण हो सकता है। यदि मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर यूरिन इन्फेक्शन हो गया है तो आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम दूषित खाना खा लेते हैं, विषाक्त खाना खा लेते हैं, इस वजह से भी आपको पेट के ऊपरी हिस्से में या फिर पेट के बीच में नाभि के पास दर्द हो सकता है। तो इसलिए साफ सुथरा और हेल्दी खाना खाइए और ताज़ा खाना खाइए। तो दोस्तों मतलब यही है कहने का कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे शारीरिक बदलाव होते हैं, बहुत सारे मानसिक बदलाव भी होते हैं, तो इन सभी के परिणाम स्वरूप आपको शरीर में कुछ ना कुछ परेशानी होती है, और उनमें से पेट दर्द, पीठ दर्द भी है। तो यदि आपको पेट में लगातार दर्द है, कहीं पर भी दर्द है, नीचे ऊपर दाएँ बाएँ बीच में कहीं में दर्द लगातार है, ज़ोर से दर्द है, तो डॉक्टर से बात कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। पीठ में ज़्यादा दर्द है तो डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि ये और भी बहुत सारे कारणों से हो सकता है। प्रेगनेंसी की वजह से तो होता ही है, लेकिन और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होगा कि बहुत सारी महिलाएं तो देख के बता देती हैं कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी, तो हम क्या कहते हैं कि अगर आपके पेट में यहाँ दर्द है तो आपको लड़का हो सकता है, गारंटी कोई नहीं लेता। बाकी मैं आपको एक बात और कहूँगी कि पुराने ज़माने में जैसे कि हम टीवी में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, पुराने ज़माने में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी शक्तियाँ थी, इतनी शक्तियाँ थी कि वो भगवान से भी संपर्क कर लेते थे, भगवान उन्हें वरदान दे के जाते थे। लेकिन आज के समय में आपने कभी सुना है कि किसी को दर्शन दे दिया हो भगवान ने, या फिर उसके पास कोई अद्भुत शक्ति हो? नहीं है ना। आज के समय में हर एक चीज़ के पीछे साइंस छुपा हुआ है। और बात करें पुराने ज़माने की, तो जैसे पुराने ज़माने की बहुत सारी शक्तियाँ विलुप्त हो चुकी है ना, जैसे हम टीवी में देखते हैं कि इसके पास ये शक्ति थी, इसके पास ये शक्ति थी, वो मंत्र पढ़ के ही जो है कुछ भी कर सकते थे, बहुत सारे लोग कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो पुराने ज़माने में कुछ महिलाएँ होंगी, अद्भुत महिलाएँ होंगी, जिनके पास की शक्तियाँ होंगी, जो कि वो अंदाज़ा लगा सकती थी, बिल्कुल ही बता सकती थी कि क्या होगा। लेकिन आज के समय में वो शक्तियाँ विलुप्त हो चुकी हैं, किसी भी महिला के पास वो शक्ति नहीं रही है जो कि वो कंफर्म बता सके
कि आपको क्या होगा, और आज के समय में आपको जानना है कि क्या होगा, तो एक ही रास्ता है कि आप अल्ट्रासाउंड करवाइए। अल्ट्रासाउंड कराना भारत में गैरकानूनी है, तो आप करवा नहीं सकते हो। तो बेहतर यही है कि आप 9 महीने इंतज़ार कीजिए और आपको जो भी हो जाए खुशी खुशी उसको अपना लीजिए, पालिए, पोसिए, पढ़ाइए, लिखाइए और एक अच्छा इंसान बनाइए। और अच्छा इंसान बनेगा तो आपकी सेवा ज़रूर करेगा, क्योंकि हम यही चाहते हैं ना कि बड़े होके हमारे बच्चे हमारी देखभाल करें। लड़का हो या लड़की हो क्या फ़र्क पड़ता है ना, आपको अपनी सेवा से मतलब होना चाहिए। और रही बात वंश बढ़ाने की, तो लड़का और लड़की दोनों ही आपके वंश हैं, ये पुराने वाली सोच है, इसको बंद कर दीजिए और ये ठीक नहीं है। बाकी आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आए तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।